गोंदिया रेलवे ओवरब्रिज का मुद्दा गोंदिया की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह रोज के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। पुलिया के पुनर्निर्माण हेतु अनेक अड़चनों को दूर कर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की गई, वर्क ऑर्डर किया गया, जिससे 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। पुल निर्माण कार्य शुरू हो इसलिए मैंने अनेक बार कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया, विभाग के अधिकारी वर्ग से संपर्क किया, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। मुझे थोड़ा संदेह है कि जानबूझकर पुल निर्माण कार्य को किसी शक्ति ने रोक रखा है। मैंने विभाग एवं कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण स्थल पर बुलाया और संबंधित विभाग, कॉन्ट्रैक्टर, प्रशासन एवं सरकार को इशारा दिया कि 8 दिन के भीतर अगर कार्य शुरू नहीं हुआ तो तंबू गाड़कर उपोषण करने जनता का आमदार विनोद अग्रवाल बैठेगा। एक श्रृंखला बद्ध उपोषण की शुरुआत हम करेंगे, उसके बाद भी अगर कार्य शुरू नहीं होता है तो आंदोलन तीव्र किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी कुछ निर्णय नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसी जानकारी विधायक विनोद अग्रवाल इन्होंने दी है। नमस्कार, आज गोंदिया आरोपी का मुद्दा ये गोंदिया के जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विगत दिनों अनेक अड़चने थी, अड़चनों को दूर करके टेंडर करके आज पूरे 6 महीने हुए वर्क ऑर्डर होने के बाद भी 6 महीने से संबंधित तंत्रदार ने यहाँ पर काम शुरू नहीं किया। बार बार मैंने कॉन्ट्रैक्टर से भी संपर्क किया, संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, आखिरकार आज उनको यहाँ पर जगह पर भी बुलाया। मुझे इसमें थोड़ा संदेह नजर आता है कि किसी अदृश्य शक्ति के कारण जानबूझ करके काम को विलंब किया जा रहा है। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं संबंधित विभाग को, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को, सरकार को, प्रशासन को यह इशारा देने जा रहा हूं कि 8 दिन के अंदर में इन्होंने अगर इस काम को शुरुआत नहीं की तो यहां पर मैं तंबू गाड़ करके 8 दिन के बाद में मैं खुद विनोद अग्रवाल जनता का आमदार यहां पर मैं तंबू गाड़ करके उपोषण के ऊपर मैं बैठूंगा। यह हम श्रृंखलाबद्ध उपोषण की शुरुआत करेंगे और उसके 8 दिन के बाद में और काम नहीं हुआ ये उपोषण को और तीव्र किया जाएगा, बाद में यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया।